22 सितंबर 2015 संतोष चौबे के 60वें जन्मदिन का एक उत्सव जो होटल आमेर ग्रीन्स में भव्य समारोह की शक्ल में आयोजित किया गया। 60 वर्षों के इस भरे पूरे व्यक्तित्व के चाहने वालों का एक सैलाब सा उमड़ पड़ा। जश्न की शुरुआत बनारस से आए शहनाई वादकों की मंगल ध्वनि से हुई। इस अवसर पर संतोष चौबे के व्यक्तित्व और कृतित्व पर तैयार की गई वेबसाइट का विमोचन भी किया गया। ये वेबसाइट समेटे है कला, साहित्य और सूचना क्रांति के क्षेत्र में उनके योगदान और उन्हें मिले पुरस्कारों की उपलब्धियां। इसी अवसर पर थोड़ा सा एकांत नाम से संतोष चौबे की कविताओं पर आधारित ऑडियो सीडी का विमोचन भी किया गया, जिसमें देवेंद्र राज अंकुर, प्रदीप चौबे और संतोष कौशिक उपस्थित थे। इसी अवसर पर संतोष चौबे के जीवन पर आधारित एक फिल्म संतोष चौबे एक यात्रा का प्रदर्शन भी किया गया, जो संतोष चौबे के जीवन के सभी पहलुओं पर एक नजर है। लगभग यही समय था जब मैंने कविताएं और कहानियां लिखना शुरू किया। मुझे याद पड़ता है कि मेरी पहली कविता 1981 में छपी थी और उसे अच्छी प्रशंसा प्राप्त हुई थी। खिड़की खोली तो मिली आम के पत्तों के पीछे दुबकी हरी धूप। खिड़की खोली तो मिली आम के पत्तों के पीछे दुबकी हरी धूप। बहुत से काम थे मुझे सुबह से शाम तक, तभी घुस आई उचक कर खिड़की से हरी धूप। तभी घुस आई उचक कर खिड़की से हरी धूप। फिल्म को सभी ने सराहा। जन्मदिन का केक काटने के साथ ही जन्मदिन की बधाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। मंच पर संतोष चौबे का पूरा परिवार था। संतोष चौबे पर केंद्रित चित्र प्रदर्शनी और गीत संगीत का कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र रहा। 60वें वर्ष के उत्सव की कड़ी में ही भारत भवन में 24-25 सितंबर को एक 2 दिवसीय नाट्य समारोह का आयोजन किया गया। 24 सितंबर को दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुआ नाट्य समारोह, जिसकी शुरुआती प्रस्तुति में विहान ड्रामा वर्क्स ने नाट्य संगीत से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। संतोष चौबे के अनुवादित बर्टोल्ट ब्रेख्त के नाटक सुकरात का मंचन शैडो कल्चर ग्रुप द्वारा किया गया, जिसका निर्देशन किया था भोपाल के रंगकर्मी मनोज नायर ने। सुकरात इस दुनिया का सबसे बड़ा विचारक, महान दार्शनिक। सुकरात, हमें सम्मान कैसे मिलेगा? जो सच्चा है वही सम्मान्य है। जीने का महान तरीका है कि हम वो बने रहे जो हम होने का दिखावा करते हैं। सुकरात, झूठे शब्द बुरे क्यों होते हैं? झूठे शब्द सिर्फ खुद में बुरे नहीं होते, बल्कि वो हमारे
हमारी आत्मा को भी बुराई से संक्रमित कर देते। सुकरात, जीने के क्या मायने हैं? सच्चाई के साथ जीना ही मायने रखता है। सच के बगैर हमारा जीवन जीना बेकार है। सुकरात, कौन बुद्धिमान है? सद्बुद्धि विचारों वाले लोग विचारों पर चर्चा करते, साधारण बुद्धि वाले घटनाओं पर चर्चा करते, जबकि निम्न बुद्धि वाले लोगों पर चर्चा करते। द्वितीय सत्र के प्रारंभ में रंग क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं और समूहों ने संतोष चौबे को उनके जन्मदिन की बधाइयों के साथ उनके कला प्रेम और रचना क्षेत्र में उनकी सक्रियता को लेकर अपने उद्गार रखे। कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में संतोष चौबे की कहानी गरीब नवाज का मंचन संभव रंग समूह दिल्ली द्वारा किया गया। इसका निर्देशन किया था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और देश के प्रख्यात रंगकर्मी देवेंद्र राज अंकुर ने। विश्वमोहन ने अपने ऑफिस के गेट से अंदर प्रवेश करते हुए गार्ड से कहा, गंगाधर सर जरा ऊपर आओ। सर क्यों गंगाधर, तुमने ये गरीब नवाज की गुमटी नहीं देखी? देखिए सर। तो तुमने इसे यहाँ लगने कैसे दिया? सर जब मैं सुबह यहाँ ड्यूटी पर आया था तो यहाँ पहले से रखी हुई थी सर, रात में रखी गई होगी। बोर्ड वगैरह तो इसने अभी लगाया है सर, मुर्गियां भी रखी है। तुम्हें मना करना चाहिए था ना? मना किया था सर पर वो नहीं माना। तुमको बोलना था ना साहब, शिकायत करके तुम्हारी गुमटी यहाँ से हटवा देंगे, बेकार नुकसान होगा। बोला था सर। अच्छा तो क्या बोला ये? सर उसने कहा कि तुम्हारे साहब होंगे बड़े आदमी अपने घर के, मुझे भी तो काम धंधा करना है। 25 सितंबर दूसरे दिन के पहले सत्र में एक वैचारिक सत्र का आयोजन किया गया। विषय था कहानी में नाट्य तत्व और रंग प्रयोग, संदर्भ था संतोष चौबे की कहानियां। आरंभिक वक्तव्य देवेंद्र राज अंकुर ने प्रस्तुत किया। चौबे जी खुद उस कहानी का पाठ करते, और ऐसा मैंने सुना बाद में कि उन्होंने जब यहाँ पाठ किया तो उसका ऐसा ही रिस्पॉन्स हुआ था। वो एक रास्ता है, चौबे जी ना होते तो एक अभिनेता एक कहानी का पाठ करता, ये दूसरा रास्ता है। तीसरा रास्ता जो हम लोगों का है कि हमारे पास 5 नैरेटर भी हैं, 5 कैरेक्टर भी हैं, 5 एक्टर भी हैं, और जितना भी कुछ कहानी के अंदर घटनाक्रम हो रहा है उसके वो कहीं पार्टिसिपेंट हैं और कहीं अलग खड़े होकर उसको देख रहे हैं। इस सारी प्रक्रिया के अंदर से हमारा एक रूप उभरता जाता है। अनेक रंगकर्मियों और साहित्यकारों ने इस विषय पर अपने विचार रखे। संतोष की कहानियों का ये पक्ष बहुत अच्छा है कि वो जैसे 2-3 कहानियों का जिक्र किया लेखक बनाने वाले या रेस्तरां में दोपहर, या जो कल कहानी की गई, या 9 बिंदुओं का खेल, इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ याद की जा सकती हैं जिसमें दृश्य को अलग से क्रिएट नहीं करना है या उसके लिए कोई बहुत अलग से सामग्री नहीं जुटाना है, ये संतोष की शायद खूबी है। आयोजन की अध्यक्षता नंदकिशोर आचार्य ने की। और कल जब देखा, वो कहानी मैंने पढ़ी भी थी और कल देखी, मुझे ये लगता है कि जैसा कहा गया, सभी लोगों ने कहा, उसमें कुछ अनुचित नहीं है कि उन कहानियों के अंदर एक भावात्मकता लगातार हर जगह पर मौजूद है और उसी के कारण से वो मंचीय कृति बनती है। अंत में संतोष चौबे ने अपना वक्तव्य दिया कि मैं दृश्यों में सोचता हूँ, मतलब मेरी रचनात्मक प्रक्रिया ही इस तरह की है कि विजुअल्स के टर्म्स में चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं, और मैं वर्षों किसी एक थीम के ऊपर सोचने के बाद कहानी, मेरी कहानियाँ बहुत सारी नहीं हैं, बहुत सारा मैंने लिखा भी नहीं है, वो एक पर्टिकुलर तापक्रम पे आने के बाद ही कहानी बाहर निकलती है, और ये तापक्रम को बनना चाहिए अपने मन में, अपने भीतर, अपने दिमाग में। अंतिम सत्र की शुरुआत विहान ड्रामा वर्क्स के रंग संगीत से हुई। Jump!
अंतिम प्रस्तुति के रूप में संतोष चौबे की कहानी लेखक बनाने वाले का मंचन थर्ड वेल द्वारा किया गया, जिसका निर्देशन किया था अनूप जोशी ने। तो संभावना है ये आपकी कक नौवा। हाँ जी। कह से कवि दूसरे कह से कहानी का नाटककार उसे उपन्यासकार आलोचक कक नौवा। भोपाल के वरिष्ठ साहित्यकार, रंगकर्मियों और सजन धर्मियों के साथ बड़ी संख्या में युवा वर्ग भी इस आयोजन से जुड़ा रहा। इसी तरह के कार्यक्रमों का सिलसिला साल भर चलता रहेगा, जिसमें शामिल हैं रचना पाठ, विमर्श, नाट्य समारोह, पुस्तकों का विमोचन, साक्षरता और विज्ञान पर केंद्रित राष्ट्रीय संगोष्ठी और वनमाली कथा सम्मान समारोह का आयोजन। देश भर के रचनाकार, रंगकर्मी और विषय विशेषज्ञ शामिल होते रहेंगे और सभी की सक्रिय सहभागिता बनी रहेगी।